there are two types of dividend, interim dividend and final dividend. Interim dividend is paid before the end of the year. It means and how interim dividend would be paid before the end of the year, because profit is actually we calculated after the end of the period. हमें पता है कि हम income statement या financial statement for financial position आखिर में बनाते हैं, but interim dividend हम ये सब कुछ करने से पहले दे देते हैं. It's based on the half yearly or quarterly profits of the company. उससे पहले interim dividend issue कर दिया जाता है, declare कर दिया जाता है और pay भी कर दिया जाता है. Final dividend is a dividend which is paid after the end of the year on the basis of annual financial statement. This is recommended by directors but approved and declared by members in annual general meeting by ordinary resolution. अच्छा, डिक्लेयर का वो आता है और डिक्लेयर और अप्रूव का आता है कि कौन डिक्लेयर करता है, कौन अप्रूव करता है. जो इंटरिम डिविडेंड होता है बेसिकली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर और अप्रूव करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताते हैं कि वो कितना इंटरिम डिविडेंड पे करने वाले हैं. और इंटरिम डिविडेंड जो है वो बेसिकली आपकी हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रोग्रेस की बेसिस पर डिसाइड कर दिया जाता है. जबकि फाइनल डिविडेंड डायरेक्टर्स सिर्फ रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो पूरे बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, बोर्ड के मेंबर्स डिसाइड, जनरल मीटिंग में एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें डिसाइड करते हैं, उसमें डिक्लेयर किया जाता है कि कितना फाइनल डिविडेंड जो है वो पे किया जा रहा है. ऑल दो होती डायरेक्टर्स ही से हैं, बट द प्रोसेस इज इट वुड बी अप्रूव्ड और डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग व्हिच वी कॉल AGM. तो छोटा सा मैं आपको जो है वो कुछ नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी AGM के बारे में, बिकॉज वी हैव अ वेरी लेंदी सिलेबस, तो मैं सारी चीज़ें कम्प्लीट नहीं करवा सकती. बट थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ कि एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल द पॉलिसीज रिलेटेड टू द कंपनी. अच्छा, अप्रूवल और डिक्लेरेशन कैसी होती है इंटरिम डिविडेंड की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे अप्रूव करते हैं. इंटरिम डिविडेंड डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन द डेट ऑफ अ कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर टू डिमांड एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड और बोर्ड मीटिंग. आपकी बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग या आपकी कमेंसमेंट ऑफ बुक से पहले, यानी कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजिशन बनाते हैं उसके बनने से पहले इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है. एंड इंटरिम डिविडेंड पेड विद इन डेज ऑफ 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन. जबकि फाइनल डिविडेंड जो है वो अप्रूव किया जाता है उसके मेम्बर से इन AGM एनुअल जनरल मीटिंग में. हाउ एवर, मेंबर्स कैन नॉट अप्रूव डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ अमाउंट रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स ने जितनी अमाउंट रिकमेंड की होती है उतनी अमाउंट तक या उससे कम अप्रूव किया जा सकता है मेंबर्स के. मेंबर्स अप्रूव कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्टर्स ने एक अमाउंट रिकमेंड कर दी कि इतनी अमाउंट हम पे कर सकते हैं द डिविडेंड, तो मेंबर्स उसको उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. अच्छा, मेंबर्स कौन है? मेंबर्स इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के ओनर हैं. डायरेक्टर्स आर ऑल्सो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बट डायरेक्टर्स आर द वन हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स टू मैनेज द कंपनी अफेयर्स. तो डायरेक्टर्स क्योंकि वो ब्रॉडर टर्म में देख रहे होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए होते हैं, तो वो आपको एक रिकमेंडेशन दे देते हैं और मेंबर्स खुद अप्रूव करते हैं कि उनको कितना डिविडेंड मिलेगा. फाइनल डिविडेंड इज डीम टू हैव बीन डिक्लेयर ऑन द डेट ऑफ जनरल मीटिंग इन विच इट इज अप्रूव. जनरल मीटिंग किस दिन होती है? व्हेन ऑल योर बुक्स आर क्लोज एंड ऑल योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस स्टेटमेंट्स एंड एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड. और उस एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है एंड डिविडेंड वही अगेन 30 days के अंदर अंदर पे करना होता है. जबकि इंटरिम डिविडेंड आपकी बुक्स क्लोज होने से पहले डिक्लेयर किया जाता है.